गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आज हम लगाएंगे एक आटा, यानी लगाएंगे एक तरीके से आटे को, इतने टेस्टी बनाएंगे तीन डिशेज। जी हाँ, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 500 ग्राम मैंने मेथी लिया हुआ है, मेथी का जो पत्ता आता है। मौसम बहुत सुहाने है और इस सुहानी सी मौसम में प्यारी प्यारी सब्जियां तो हमारी मार्केट में आ ही रही है। तो हम मेथी लेंगे, जिसको मेथी को मैंने पत्ते तोड़ लिए हुए, और इस पत्तों को हम अच्छे से धो के बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि इसमें कोई भी कचड़ा वगैरह ना रहे। और इसे हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल प्यारा सा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना पेस्ट। इसको रखते हैं साइड में और अब हम लगा लेते हैं आटा। जी हाँ, आटा ध्यान से लगाइएगा, ये मैदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लेंगे 2 टीस्पून अजवाइन और इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे, बिल्कुल इस तरीके, जिससे कि फ्लेवर मस्त आएंगे। जी हाँ, उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून यानी स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 टीस्पून जो है ना बेकिंग सोडा। जी हाँ, जिससे बहुत ही प्यारी टेस्ट आएगी। आप ये सब ज़रूर डालिएगा, बहुत ही प्यारी। और किस तरीके से बनाएंगे सो वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हाँ, 1 कप मैंने इसमें रिफाइन ऑयल ले लिए हुए है, छोटी सी कप थी मेरी, मैंने उस हिसाब से आप थोड़ी सी ले लीजिएगा, यानी 50 ग्राम के हिसाब से आप इसमें रिफाइन ऑयल डालिएगा। ज़्यादा हमें कुछ डालने नहीं है, ना ज़्यादा कुछ मेहनत करने है। इसे मिक्स करने के बाद, जी हाँ, सारे को मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें डालने हैं जो हमारी मेथी का पेस्ट है। जी हाँ, मेथी को पेस्ट डालने के बाद हम इस तरीके से, आप देख सकते हैं, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, और उसके बाद हल्की सी पानी देके इसे गून के रेडी कर लेंगे। जी हाँ, इसको गूनते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी तो मेथी की लिक्विड रहती है ना, तो पानी बहुत कम लगते हैं। तो अच्छे से हम इसे गून के फटाफट से हाथों में थोड़ी सी रिफाइन लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे मैन को जो है हम रेडी कर लेंगे आटे को। ऊपर से कोटिंग कर देंगे रिफाइन की और एक कॉटन के कपड़े से इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हमें इसे बनाने हैं, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम इसे छोटी छोटी लोई निकालते हैं। तो पहला डिशेज क्या होगी, यानी पहला डिश हम क्या बनाएंगे, आइए फटाफट से आपको दिखाते हैं। तो मैंने ना कंटेनर में भर के रखा हुआ था पहले से जो है ना सत्तू का मसाला बना के, तो पहले इसे बना लेते हैं। तो बस हमने एक छोटी सी लोई निकाली, इसमें भर दिए और भर के इसे हम इस तरीके से तैयार कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा आएगी ना, देखिए, इसे हम निकाल देंगे और निकाल के हम इसे हाथों से हल्की चिपटा कर देंगे, जिससे कि बहुत ही प्यारी टेस्ट आती है और बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं, बिल्कुल होटल जैसी टेस्ट आती है। जी हाँ, और इसे एक एक करके उलटते पलटते हुए हम इसे छान के तेल में रेडी कर लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा सब्सक्राइब। जी हाँ, तभी आपको प्यारे प्यारे रेसिपी मिलेगी, प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेगी। और हाँ, और क्या बताऊँ, बस बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल नए कंटेंट मिलेंगे आप लोगों को, जो कि आपके दिल को भा जाएगी। देखिए कितने प्यारे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बन के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, एकदम स्पॉन्जी। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, चलिए अब हम कुछ दूसरी भी डिशेज बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे चटनी वगैरह के साथ पसंद करते हैं, तो आप हरी धनिए पुदीने की चटनी या फिर टमाटो केचप, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो उसे आप दे सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं पूड़ी। तो देखिए, पूड़ी हम इस तरीके से छोटी छोटी लोई लेंगे और लेकर इसे पूड़ी रेडी कर लेंगे। ग्रीन ग्रीन देखते ही ना मन खुश हो जाता है। जी हाँ, बहुत प्यारा लगता है ये मेथी की पूड़ी, मेथी की रोटी और मेथी के लिट्टी। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे से दोस्तों, इसके साथ ना हम एक प्यारी सी रेसिपी तैयार करेंगे सब्जी वाली, जो कि इसके साथ ही खाने के लिए स्पेशल वो डिश है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा लगता है वो सब्जी। तो आप सब वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो अब चलिए हम तीसरा डिश बना लेते हैं, यानी रोटी। तो हम रोटी का लोई ले लेंगे, थोड़ी सी बड़ी, यानी पूड़ी से थोड़ी बड़ी लेंगे, और इसे इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं, मैंने एक पहले भी रेडी करके रखा हुआ है, बिल्कुल रोटी की तरह ही पतली रखेंगे, बस देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फटाफट से हम रोटी इसका
बना लेते हैं। तो पूरी और रोटी दोनों हमने तैयार करके रख लिए हुए, बस इसे अभी छाना नहीं है और पकाया नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जब हमारी रोटी रेडी हो जाती है ना बेल के, तो हम इसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बन रही है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेकन आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ मेरी प्यारी सी फैमिली, आप इस रेसिपी को मेरे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मतलब इतनी प्यारी तरीके से ना ये फूलती है, देख सकते हैं, पूरी बस डालते ही फूल जाती है। जी हाँ, मैंने जो जो स्टेप बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, आप वैसा ही बनाइएगा। देखिए सारी की सारी पूड़ियाँ बस तेल में जाते ही, देखिए कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस तेल में डालिए और फटाफट से पूड़ी कचौड़ी हमारी रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, वीडियो इसकी बिल्कुल लाइक कीजिएगा। लास्ट में आप सबको एक और प्यारी सी सीक्रेट देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे से फैमिली, देख सकते हैं ना, एकदम गुब्बारे की तरह फूल जा रही है। जी हाँ, मस्त, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी रेसिपी है ये, और सेहत के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद। जी हाँ, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरी प्यारी सी फैमिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और एक ही आटे से हमने तीन डिशेज बनाए, वो आपको कैसा लगा? टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब सारा लाइक सपोर्ट प्यार अपना ज़रूर बनाए रखिएगा। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, देख सकते हैं आप, एक एक जो है ना पूरी किस तरीके से एकदम गुब्बारे की तरह फूल रही है तेल में डालते ही। जी हाँ, तो तेल जो है ना अच्छे से गर्म हो जाएगी, तो आप जो है पूरी उसको डालिएगा, जो कचौड़ी है यानी जो लिट्टी हमने बनाई है उसे डालिएगा। तो बहुत ही प्यारी पूरी कचौड़ी आपकी निकलेगी। और रोटी हम बताएंगे कि फिर किस तरीके से हमारी रोटी तैयार हुई है। जी हाँ, और रोटी तैयार करने के बाद ऊपर से ऐसा कौन सा सीक्रेट लगाएंगे जो कि बहुत ही यमी लगेगी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। तो अब देख सकते हैं पूड़ी हमारी रेडी हो गई। वाह, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन, माशाल्लाह। तो चलिए अब रोटी को बना लेते हैं। तो तवे हमारे बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इस पर हम उलटते पलटते हुए रोटी को अपने सेक लेंगे, जिस तरीके से हम आटे की रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से, सेम प्रोसेस। और हमारी रोटी तैयार, देख सकते हैं रोटी भी एकदम गुब्बारे की तरह फूल के मस्त रेडी हो चुकी। देखिए कितना प्यारा रेडी है ना, एकदम फूल के गुब्बारे की तरह। तो बिल्कुल बिना झंझट और बिना ही मेहनत के इतना अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड हर इंसान बना के इसको रखता है कि मेथी का पूड़ी बनाना, रोटी बनाना, लिट्टी बनाना, कचौड़ी बनाना बहुत हार्ड है। जी नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप देख लिए ना। इसमें हम लगाएंगे देसी घर वाला घी, आपके बस जो हो, बटर भी यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो जो लोग भी इसे हार्ड बना के रखे हैं, मेरे बहना और भाइयों, इसे हार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ना कितना इजी था बनाना, बहुत इजी था। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए, मौसम बहुत अच्छे है, बहुत प्यारी प्यारी सब्जी आ रही है, तो बनाइए, खाइए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेकन आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।